हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू मरीन ई ट्यूटर एजुकेशनल वाईटी प्लेटफॉर्म। सो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ ड्यूअल स्टार्टर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने बात किया था व्हाट इज स्टार्टर एंड नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर, जहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऑन बोर्ड की मशीनरीज को लेकर भी एक्सप्लेन किया था, कुछ मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था, जिससे मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग करंट को कैसे लिमिट की जा रही है। एंड इस लेक्चर्स में मैं बात करने वाला हूँ ड्यूअल स्टार्टर सिस्टम। सो बिफोर गोइंग टू ड्यूअल स्टार्टर सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक्स कंपोनेंट्स आपको जाननी होगी, जिसे कहा जाता है मेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ ड्यूअल स्टार्टर सिस्टम। मेकिंग कंपोनेंट्स मीन्स व्हाट इज MCV, व्हाट इज रिले, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स, व्हाट इज नॉर्मली ओपन पोजिशन, व्हाट इज नॉर्मली क्लोज्ड पोजिशन। तो ये अगर चीज़ें आपको पता है तभी आप वायरिंग डायग्राम समझ पाओगे। इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर्स एंड ये सेपरेट लेक्चर्स रखा। अगर मैं सेम इसी लेक्चर्स में सारे कंपोनेंट्स को आपको समझाऊं एंड एट लास्ट वायरिंग डायग्राम समझाऊं तो लेक्चर्स काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो बोरिंग भी हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए मैं एक शॉर्ट लेक्चर्स रखा हूं, जहां पर मैं आपको ओनली वन कंपोनेंट बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स। इसके बाद के लेक्चर्स में मैं तीन टॉपिक ले लूंगा, MCV, रिलेज एंड अदर मेकिंग कंपोनेंट्स मैं बता दूंगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर से ये काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ETO के इंटरव्यू में 90% चांस होते हैं आपको पूछा जाता है व्हाट इज कॉन्टैक्टर्स, हाउ कॉन्टैक्टर वर्क्स, व्हाट इज NO, व्हाट डज NC मीन, ओके इंटरनल वर्किंग फंक्शंस कैसे होती है, व्हाट इज A1 एंड A2, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड MEO क्लास 4 ऑरल्स में भी ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए व्हाट इज ड्यूअल स्टार्टर सिस्टम, बट उसके अंदर की क्वेश्चंस ये सारी क्वेश्चंस बनती है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। तो और टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर, इसकी डेफिनेशंस क्या है? तो मैंने यहां पर व्हाइट बोर्ड में इसकी दो डेफिनेशंस लिखा है। फर्स्ट डेफिनेशन इज ए कॉन्टैक्टर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल और जस्ट वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल डिवाइस दैट यूज टू मेक और ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन द लोड एंड पावर सप्लाई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन मैं लेक्चर्स के टाइम आपको अच्छे से ब्रीफ करूंगा, बट अभी फर्स्ट डेफिनेशन पे फोकस करते हैं एंड मैं आपको एक सिंपल ड्यूअल स्टार्टर सर्किट के थ्रू आपको समझाता हूँ। मीन्स वो अभी मैं कंट्रोल सिस्टम ले लिया हूँ, सिंपल पावर सप्लाई सिस्टम के थ्रू आपको कॉन्टैक्टर जस्ट समझा रहा हूँ, ड्यूअल स्टार्टर नहीं समझा रहा हूँ। ओके, तो सपोज ये हमारा 3 फेज है, R, Y एंड B, राइट, R, Y एंड B। अब ये क्या होगा, अब यहां पर स्विच से कनेक्ट होगा, मैं बोल सकता हूं MCV होगी, ये क्या है MCV मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाउ सेकेंड थिंग, नाउ दिस वन इज ओनली कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स। अब ये क्या होगा, हमारा रिले होगा, ये जो है ये पार्ट रिले हो गया, अभी हमारा मोटर हो गया, क्लियर। मैं आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर समझा रहा हूं, वायरिंग डायग्राम ब्रीफली, कंट्रोल सिस्टम की अलग इसकी वायरिंग डायग्राम होती है, ओके एंड अदर ट्रिप एंड कैसे पता चलेगा रनिंग हो रही है ट्रिप कंडीशंस पे, उसकी अलग वायरिंग डायग्राम होगी। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर सारे वायरिंग डायग्राम पर हम फोकस करेंगे ड्यूअल स्टार्टर सिस्टम, जो कि MEO क्लास 4 ओरल्स के रिटर्न एग्जाम में रिसेंटली आई हुई थी और ETO एग्जाम्स के लिए तो एक कॉमन क्वेश्चन है। नाउ तो आप डेफिनेशंस के थ्रू देखो, हमारा डेफिनेशंस क्या है, कॉन्टैक्टर इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंट्रोल डिवाइस, क्लियर, दैट यूज टू मेक और ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन द लोड एंड पावर सप्लाई। ओके, तो पावर सप्लाई एंड लोड, सी ये जो कॉन्टैक्टर्स है, ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स है, ये अभी किस पोजिशंस पे है, मैं इस पोजिशंस को बोलूंगा नॉर्मली ओपन पोजिशन, दैट इज NO पोजिशन। अब व्हाट इज NO पोजिशन एंड इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा। ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स जो अभी है, ये अभी NO पोजिशंस पे है। तो अब इससे मुझे क्या पता चलता है, सबसे पहले सिंबल ऑफ NO क्या है, सिंपल, ये हमारा NO सिंबल है, क्योंकि सी जब आप वायरिंग डायग्राम पढ़ोगे ना तो वहां पर ये सिंबल कॉमन रहेगा, तो आपको पता होनी चाहिए ये सिंबल NO है, व्हाट इज NO, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, जो मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा। ये मैं अभी कॉन्टैक्टर्स की डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। तो ये अभी नॉर्मली ओपन पोजिशन पे है, NO पोजिशन पे है,
डेफिनेशन से हमारा क्या बोल रहा है, कंट्रोल डिवाइस दैट यूज टू मेक और ब्रेक द कनेक्शन, मीन्स ये एनो पोजिशन पे है, मीन्स अभी कनेक्शन ब्रेक है. देर इज नो कनेक्शन बिटवीन पावर सप्लाई एंड लोड. नाउ सपोज हम लोगों ने पावर सप्लाई दिया, पावर सप्लाई देगा तो ये हमारा क्या होगा, ये मेकिंग मेक होगा. अगेन अगर ये मेक होगा तो सेम, अब कैसे ये मेक हो रहा है वो भी मैं आपको इसी लेक्चर से बताऊंगा. कॉन्टैक्टर्स कैसे, लाइक यहाँ कैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे एनओ को एनसी में कन्वर्ट कर रहा है, सारी चीजें बताऊंगा इसी लेक्चर्स में. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लास्ट तक बने रहना, तभी आप वायरिंग डायग्राम समझ पाओगे, नहीं तो फिर से अगेन इलेक्ट्रिकल आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा. ये खासकर ये पैरामीटर्स. नाउ अब ये क्या होगा, हमारा एनसी में कन्वर्ट होगा. क्लियर, ये एनसी हो जाएगा. अब एनसी की सिंबल कैसे होती है आप देख सकते हो, एनसी ये एनसी हो गई. अब मैं इसे क्या बोलूंगा, एनसी दैट इज नॉर्मली क्लोज्ड. अगेन कम टू डेफिनेशन पार्ट, कॉन्टेक्टर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल डिवाइस दैट यूज टू मेक और ब्रेक द कनेक्शन. ब्रेक वाला तो देख लिया था, बिटवीन पावर सप्लाई एंड लोड. अब मैं क्या देखूंगा, मेक. अब देखो अब ये हो गया मेक, अब हमारा पावर सप्लाई एंड बोल सकता हूं लोड में कनेक्शन आ चुकी है, तो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो चुकी. व्हाट इज कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी इलेक्ट्रो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल डिवाइस दैट यूज टू मेक और ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन लोड एंड पावर सप्लाई. इतनी तो आपको समझ में आ गई. अब ना अब मैं ब्रीफली बात करूंगा एनओ एंड एनसी की, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की. ठीक है, चलो इतनी आई होप आपको समझ आ चुकी होगी. तो सी अब मैं आपको एनओ एंड एनसी बताता हूं. नेक्स्ट थिंग, अब मैं बात करूंगा एनओ एंड एनसी की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देकर आपको थोड़ी शायद और ज्यादा क्लियर होगी. बस ओके, मेरा एम यही है. तो आप लोगों ने सुना होगा एक एसी होता है, एक बैटरी होता है, मीन डीसी. डीसी मीन्स बैटरी एंड एसी में हमारा क्या होता है, दो वायर होता है, फेज एंड न्यूट्रल. इतना क्लियर है. सपोज मैं एक एसी की एग्जांपल लूंगा, एक डीसी की एग्जांपल लूंगा, और वहां पर मैं एनओ एंड एनसी उस सर्किट में इंट्रोड्यूस करके बल्ब को ग्लो करूंगा. क्लियर, या उसकी कॉन्टैक्ट को ब्रेक करके बल्ब जो ग्लो हो रहा है वो हमारा ग्लो नहीं होगा, अगर उसकी सर्किट को मैं अगर ब्रेक करता हूं तो. वही चीज मैं आपको जस्ट एनओ एंड एनसी समझा रहा हूं. यहां पर सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया एसी, ये हमारा एसी है. तो अब यहां से हमारा दो वायर होगी, एक वायर फेज कहेंगे एंड एक वायर को हम न्यूट्रल कहेंगे. ये फेज हो गई और ये न्यूट्रल हो गई. ओके, अब जो न्यूट्रल से जो होगी, अब ये जो है हमारा कनेक्ट है. सपोज ये हमारा लोड कनेक्ट करते हैं, बल्ब को कनेक्ट करते हैं, सबसे इजी एग्जांपल. क्लियर, अब यहां पर मैंने सपोज एनो इंट्रोड्यूस किया है, मींस नॉर्मली ओपन, ये यहां पर नॉर्मली ओपन है. ये पुश बटन नॉर्मली ओपन, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, एनसी एनओ सॉरी एनओ. क्लियर इतनी. अब ना अब आप बताओ ये बल्ब ग्लो करेगा, नो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये जो है सर, ये जो ब्रेक है सर्किट ब्रेक है, पावर सप्लाई और लोड ब्रेक है. आप देख सकते हो इट इज अ कंट्रोल डिवाइस दैट यूज टू मेक और ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन लोड एंड पावर सप्लाई. लोड और पावर सप्लाई ये ब्रेक है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा, नो सिंपल. अब मैं सपोज इस पुश बटन को पुश करता हूं, अब मैं पुश करूंगा. क्लियर, तो क्या होगा, पुश करूंगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगी. अब मैं बोल सकता हूं बल्ब ग्लो करेगी, यस बल्ब विल ग्लो. व्हाई, क्यों बल्ब ग्लो किया, क्योंकि अब यहां पर इट मेक द कनेक्शन बिटवीन द लोड एंड पावर सप्लाई, लोड एंड पावर सप्लाई. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड, मींस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कॉन्टैक्टर, जहां पर एक एलिमेंट आती है नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज्ड. दिस इज नॉट अ कॉन्टैक्टर, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज्ड क्या होती है, मतलब ये मतलब क्या है. जहां पर आप देखते हो एनओ लिखा है, कहीं भी एनसी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, जस्ट मैंने आपको वो समझाया. क्लियर,
सेम अगर मैं बैटरी में लूँ, ओके अगर मैं बैटरी की कनेक्शन लूँ, सपोज यहाँ पर मैं जस्ट बैटरी लेता हूँ, बैटरी, तो ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, क्योंकि वहाँ पर पी एंड एन तो आएगी नहीं, पी एंड एन। अब यहाँ पर सपोज हमारा, मैं बात करता हूँ, ये सपोज ये नॉर्मली क्लोज्ड है, ये नॉर्मली क्लोज्ड है, ठीक, नॉर्मली क्लोज्ड है, तो बल्ब ग्लो करेगी, मींस ये क्या है, ये जो है पावर सप्लाई और लोड जो है कनेक्टेड है, दैट इज एन सी। मैं पुश बटन को प्रेस करता हूँ सपोज, और ये क्या होता है, ब्रेक होता है, मींस एनो में, एनो। अब ये ग्लो करेगी नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगी, समझ गए एनो एन सी की बेसिक्स थ्योरी आप समझ गए। चलो अब मैं आगे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ ना एनो एंड एन सी, नो प्रॉब्लम, राइट। अब आप देखो, अब नेक्स्ट थिंग मैं अब बात करूंगा कॉन्टैक्टर्स। सी अब आप एक इमेज में देख सकते हो, ये एक गूगल की इमेज है, एक्चुअली मैंने मेरे पास थ्री फेज कॉन्टैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बट मेरे पास टू पोल कॉन्टैक्टर्स है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूँ टू फेज कॉन्टैक्टर्स की, बट मैंने थ्री फेज कॉन्टैक्टर्स नहीं है, मैंने रिसेंटली अमेजोन से ऑर्डर किया है, मे बी आई थिंक 4-5 days में आ जाएगी, तो मैं उसकी भी उसकी एक अलग से चीज़ें वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। आज भी मैं वही बताऊँगा, एक्चुअली थ्री फेज ही बताऊँगा, क्योंकि जनरली प्लांट्स में, सिप्स में जनरली थ्री फेज ही यूज होती है, थ्री फेज कॉन्टैक्टर्स, क्लियर है। तो अब मैं कॉन्टैक्टर्स पढ़ूंगा, आप इमेज देख रहे होगे। अब इस इमेज में आप देख रहोगे फोर लाइक टर्मिनल्स ऊपर है, फोर टर्मिनल्स नीचे, लाइक कुछ ऐसे है इस इमेज में, क्लियर। ठीक, 1, 2, 3, 4, और आप नीचे देख सकते हो इमेज में 1, 2, 3, 4, क्लियर। अब ऊपर क्या है, ये एक हमारा एनो है, एक एनसी है, एक एनसी है, एक एनो है, अगेन यहां पर क्या है, एक एनो है, एक एनसी है, एक एनसी है, एक एनो है। अगर ऊपर एनो होगा नीचे भी एनो होगा, ऊपर एनसी होगा नीचे भी एनसी होगा, एनसी एनसी एनो एनो। अब समझ में आया मैंने स्टार्टिंग में क्यों बताया था एनो एंड एनसी, ओके। मीन्स व्हाट, अगर मैं इसको वायरिंग के फॉर्म में देखूं, अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं चीजों को वायरिंग डायग्राम में लाने की, अगर मैं इसको वायरिंग डायग्राम बनाऊं इसकी, तो वायरिंग डायग्राम इसकी कैसे बनेगी। सी एक एनो, क्लियर, एनसी एनसी, एनसी एनसी, एनो एनो, क्लियर, एनो एनो, मैंने आपको बता दिया है। नाउ एनसी, ठीक, एनसी, क्लियर, अगेन एनसी, अगेन एनसी, अगेन एनो, अगेन एनो, पहली तो बेसिक्स वायरिंग डायग्राम मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। समझ में आ गया एनो एनसी, एनो एनसी, ठीक। अब यहां पर अगेन आप इमेज को, अगर मैं इसको, इस इमेज को रोटेट करूंगा, ओके, जो मैं अगेन इसकी मैं रियल प्रैक्टिकल वीडियो मैं लाऊंगा जब मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी थ्री फेज कॉन्टैक्टर्स। तो यहां पर आपने एक और देख रहा होगा, इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक और टर्मिनल है, इसे मैं बोलूंगा A1 और इसे मैं बोलूंगा A2। रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया था, एंड उस पोस्ट में मैंने इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स के बारे में बताया था, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स एंड एनओ एंड एनसी के बारे में मैंने पोस्ट में कुछ राइटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड की थी। वहां पर मैंने आपको क्वेश्चंस पूछा था, व्हाट इज A1 एंड व्हाट इज A2 एंड ये कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये A1 है एंड ये A2 है। नाउ अब A1 और A2 ये हमारा कॉन्टैक्टर्स है।
अब कॉन्टैक्टर्स में आप देख रहे होगे जो मिडिल पार्ट है वो कुछ स्प्रिंग एक्शन जैसा कुछ काम कर रहा है, ओके, स्प्रिंग एक्शन जैसा कुछ काम कर रहा है। अब मैं आपको सिंगल फेज समझाने वाला हूं, यहां पर आप इसे अभी होल्ड रखो, सेम इसी टॉपिक पे हम 3 to 4 मिनट्स बाद आएंगे। अब आप देखो ये जो मैंने लिया है ये हमारी 2 pole contactors है, ये जो है आप देख रहे हो ये हमारी 2 pole contactors है। तो अब मैं आपको 2 pole contactors समझाऊंगा, उसके बाद मैं ये बोल सकता हूं 3 phase मशीनरीज में जो कॉन्टैक्टर्स लगी है मैं उस पर बात करूंगा। नाउ अगेन अब आप यहां पर देख सकते हो, जैसे यहां पर 1, 2, 3, 4 था, आप देखो यहां पर 1 and 2 है, 1 आप देख सकते हो, ये 1 part एंड ये 2 part, सेम नीचे देख सकते हो ये 1 and ये 2, ये ऊपर आप देख सकते हो 1 terminal नंबर 2 terminal, 1 terminal एंड 2 terminal, क्लियर। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको यहां पर बोला, यहां पर आप प्रेस करोगे, जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा, क्लियर, जैसे आप इमेज में देख सकते हो इस पॉइंट में, यस दैट पॉइंट, अगर मैं इसको प्रेस करता हूं मींस हमारा कॉन्टैक्टर्स एनर्जाइज हो जाएगी। तो सेम उसी तरह यहां पर भी ये वो है, आप देख सकते हो ये जो है, देखो आवाज आ रही है, ओके, तो ये मैं प्रेस कर रहा हूं तो कॉन्टैक्टर्स एनर्जाइज हो रही है, मींस अभी जो है इस पोजीशन में, जस्ट मैंने अभी होल्ड पोजीशन पे, इस पोजीशन में जैसे यहां पर NONC है, इस पोजीशन में 2 pole के सिचुएशन में ये अभी NO पोजीशन पे है, दैट इज नॉर्मली ओपन पोजीशन पे है। जैसे ही अगर मैं इसे प्रेस करता हूं तो ये NC पोजीशन में आती है, नॉर्मली क्लोज्ड पोजीशन में आती है, क्लियर है, इतनी तो आपको क्लियर है। तो मैं आपको बेटर आपको समझ में आएगी, मैं इसे ओपन करता हूं तो आपको शायद बेटर चीजें आपको समझ में आएगी, ओके। तो ये हमारी NO एंड NC पोजीशंस होती है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये मैं जो अपने हैंड में लिया हूं ये हमारी 2 pole है, बट ये जो है हमारी 3 phase, लाइक सिंगल फेज एक होती है, एक 3 phase मोटर होती है, जो 3 phase मोटर्स में जो कॉन्टैक्टर्स यूज होती है, ओके, वो ये है जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, और जो सिंगल फेज में जो कॉन्टैक्टर्स यूज होती है वो जो मेरे हाथ में ये है, क्लियर। तो देखो मैं इसे ओवरऑलिंग करता हूं, मैं इसे निकाल दिया, ठीक। अब आप देखो, ये आप देख रहे हो नॉर्मली ये किस पोजीशन पे है, NO पोजीशन पे है, नॉर्मली ओपन पोजीशन पे है। जैसे ही मैं इसे प्रेस कर रहा हूं आवाज आ रही है, ये क्या हो रहा है, नॉर्मली क्लोज्ड पोजीशन पे हो रहा है, मींस अभी हमारी ये किस पोजीशन पे है, ऐसे है। जैसे मैंने प्रेस किया ये किस पोजीशन पे आ गई, ऐसे आ गई, और ये दोनों तरफ है, आप देख सकते हो ये 2 है ना, ये 1 ये 2 1 और ये 2, मीन सर्किट कंप्लीट हो जा रही है, ओके। तो ये मेरा बेसिक्स था, ओके, सेम मैं 3 phase इंडक्शन मोटर वाली कॉन्टैक्टर्स भी जल्दी आपको दिखाऊंगा ना। अगेन इस टॉपिक पे आते हैं, तो सेम जैसे ही हम लोग की ये प्रेस होगी, ये ऑटोमेटिक प्रेस होगी, जो अभी मैं प्रेस कर रहा था ना वो ऑटोमेटिक प्रेस हो रही है। अब वो ऑटोमेटिकली कैसे प्रेस होगी वो भी मैं बताऊंगा। तो सेम यहां पर भी जैसे ये था ना, जैसे ये प्रेस हो रहा है ना, सेम यहां पर भी थ्री फेज वाले में भी कुछ ऐसे होगी और ये कुछ ऐसे प्रेस होगी, क्लियर, ऑटोमेटिक। अब वो ऑटोमेटिक कैसे प्रेस होगी मैं आपको बताता हूं। अगेन अब हम फिर से आते हैं A1 और A2। अब अगेन AC है, AC में 2 wire होगी, 2 wire कौन सा होगी, फेज एंड न्यूट्रल। अब जो हमारी A1 एंड A2 टर्मिनल होती है, A1 टर्मिनल एंड A2 टर्मिनल, तो अब हमारे पास 2 wire है, फेज एंड न्यूट्रल। अब नाउ माय क्वेश्चन इज, अब ये A1 A2 की अरेंजमेंट फेज एंड न्यूट्रल के साथ कैसे होगी। तो सिंपल सी बात है, आप A1 को फेज से कनेक्ट करो, A2 को आप न्यूट्रल से कनेक्ट करो,
फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है। सेकेंड थिंग, फेज को आप ए टू से कनेक्ट करो, न्यूट्रल को आप ए वन से कनेक्ट करो। मीन्स इसकी कोई स्पेसिफिक लाइक ऐसा नहीं है कि हमें पी ए वन कनेक्ट ही करना है या एन ए टू कनेक्ट करना है, या पी ए टू ही कनेक्ट करना है या एन ए वन कनेक्ट करना है। आप फेज को ए टू टर्मिनल से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप न्यूट्रल को ए वन से भी कनेक्ट कर सकते हो, मीन्स एनी मोड आप अप्लाई कर सकते हो। इतनी क्लियर है, आई होप इतनी तो आपको क्लियर होगी। तो जैसे ही आप ये फेज न्यूट्रल जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, वैसे ही हमारा सप्लाई जाएगा कॉन्टैक्टर्स में। एंड सेम टाइम ये जो कॉन्टैक्टर्स जो मैंने ये शो किया था आपको, ये जो होगा सेम टाइम कुछ ऐसे आवाज आएगी। ठीक, मींस यहां पर क्या हो रहा है, अगर ये ऐसा हो रहा है मींस मैंने क्या बोला था, अभी ये किस पोजीशन पे है, अभी इस किस पोजीशन पे है, नॉर्मली ओपन। सपोज हम लोगों ने फेज और न्यूट्रल को ए वन ए टू टर्मिनल से कनेक्ट किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हमारी किस पोजीशन पे जाएगी, मींस डाउन होगी, ये हमारी पोजीशन डाउन होगी। मींस मैंने क्या बोला था, एनओ से एनसी में कन्वर्ट हो चुकी है, नॉर्मली क्लोज्ड हो चुकी है। सेम यहां पर भी अगर ये डाउन होगी, ये प्रेस होकर अगर डाउन होती है, तो अब हमारा जो एनओ है वो क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा, जो एनसी है वो एनओ बन जाएगा। क्लियर, कैसे बनेगा देखो। नाउ अब यहां पर जो है ना, ये अब मैं अब सेकेंड डेफिनेशन पे आता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड डेफिनेशन क्या है, द करेंट पासिंग थ्रू द कॉन्टैक्टर्स। हम लोगों ने सप्लाई कनेक्ट किया, हम लोगों ने वायरिंग किया पी ए वन एन ए टू, मीन्स वाट, अब करेंट पास होगा। द करेंट पासिंग थ्रू कंडक्टर एक्साइट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो है, ये जो प्रेस हो रही है वो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्साइट्स हो रही है। अब यहां पर अब ऐसे ज़ूम कर सकते हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन है। अब ये प्रेस डाउन होने से ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अब आप देख सकते हो, द एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग द कंडक्टर कोर टू मूव द आर्मेचर। अब ये क्या होगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, अब ये क्या करेगा, जो हमारा एनओ है नॉर्मली ओपन जो है, ये अब हमारा क्या करेगा, ये मूवमेंट इसकी ऐसे होगी, इसकी मूवमेंट ऐसे होगी। तो मींस ये क्या होगा, अभी हमारा ब्रेक पोजीशन पे था तो ये हमारा मेक हो जाएगा। क्लियर, ब्रेक था तो मेक हो गया। अब ना इसकी भी मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे होगी, ये सेकंड वाले की, इसकी मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे थी, तो ये मेक है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, तो ये एनओ था फर्स्ट केस में जो एनओ था ये क्या बन चुका, एनसी बन चुका। सेकेंड केस में जो एनसी था वो अब हमारा एनओ बन चुका। अगेन थर्ड केस, अगेन ये एनसी था तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ये क्या होगा, मूव करेगा। अगेन ये क्या होगा, ब्रेक हो चुका है। अगेन ये क्या बन गया, एनओ बन गया, दैट इज एनओ एंड एनओ। लास्ट वन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब ये क्या होगा, जो ब्रेक कंडीशंस पे है वो मेक हो जाएगा। 1 2 3 4 दैट इज एनसी। सिंपल, दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स। अब ये जो एनओ, जो अब हमारा न्यू पोजीशन है, अब ये डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है किससे, लोड से। क्लियर हो चुका है, जस्ट लाइक ए स्विच। तो अब हमारा फर्स्ट डेफिनेशन, द करंट पासिंग थ्रू कॉन्टैक्टर एक्साइट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट, द एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग द कॉन्टैक्टर्स कोर टू मूव द आर्मेचर। आई होप इतनी आपको क्लियर होगी। तो हमारे बेसिक्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स थी, जहां पर मैंने आपको बेसिक्स चीजें समझाई, एनओ की फंक्शन समझाई, एनसी क्या होता है, कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास 4 एस्पिरेंट्स एंड ईटीओ एस्पिरेंट्स को ये लेक्चर्स
शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरीन ट्यूटर्स के साथ जुड़े. एंड लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर. नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर से आऊँगा मैकिंग कंपोनेंट्स ऑफ ड्यूअल स्टार्टर के साथ. एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स वायरिंग डायग्राम ऑफ ड्यूअल स्टार्टर जो लास्ट मंथ थी क्लास फोर ओरल्स एंड रिटन एग्जाम्स में पूछी गई. एंड दिस क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईटीओ एस्पायरेंट्स. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर. थैंक यू.